हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, वन शॉट पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे एक ही बार में। देखेंगे कि चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है। एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं अपने इस चैप्टर में किस तरीके से करते हैं। तो देख लीजिए, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ ले लेते हैं। देखें, जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, कौन सा चैप्टर रहेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। देख रहे थे समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि किसी भी वे में कोई नंबर चल रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है हर एक टर्म पर जहाँ तक वो सीरीज चल रही है, तो उसे हम कहते हैं कि वो समान अंतर से चलने वाली श्रेणी होती है। लाइक मान लीजिए यहाँ पर समान अंतर से चलने वाली सीरीज, ओके, उसे आप क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने माना कि सीरीज का पहला टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो है डी। क्या है? कॉमन डिफरेंस वो है डी। जब मेरे पास ए हो गया फर्स्ट टर्म एंड डी हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड डी हो गया कॉमन डिफरेंस, तो इस केस में आपको करना ये है, देखते हैं कि जब हम पहली सीरीज के पहले टर्म से चलेंगे तो हमें मिलेगा ए, देन हम सेकेंड टर्म पर जैसे ही आएंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि पर्टिकुलर रूप से जो हर एक टर्म का डिफरेंस है वो इसमें प्लस होता चलेगा, यानी कि हमें टर्म कुछ इस तरीके से मिलते चलेंगे। तो देखें, ए प्लस टू डी हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, ठीक है, 3D हो जाएगा। और ऐसे ही हम मान लेते हैं कि ये सीरीज जो चलती जा रही है वो लास्ट चलेगी ए प्लस एन माइनस वन डी तक। क्यों चलेगा भाई? इसका भी एक रीज़न है, आप समझिए कि जो फर्स्ट टर्म था उसमें डी था जीरो, क्या था? जीरो। सेकेंड टर्म था उसमें डी था वन, थर्ड टर्म था उसमें डी थे टू, और थर्ड टर्म में आप देखेंगे वहाँ पर डी थे थ्री। तो जब मैं एन टर्म की बात करूँगा, एन टर्म की, तो डी की जो काउंटिंग रहने वाली है वो एन माइनस वन, यानी कि जो टर्म की पोजीशन रहेगी उससे एक कम आपका डी रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म में, ठीक है। ये तो सीरीज के टर्मों की बात रही। क्या रही? सीरीज के टर्मों की बात रही। अब हम बात कर लेते हैं इनके सार्वांतर की। मान लीजिए किसी एपी को, किसी नंबरों को या किसी सीक्वेंस को, ठीक है, किसी सीक्वेंस को हमें पहचानना है कि आइडेंटिटीफाई, देख लेते हैं आइडेंटिटीफाई सीरीज कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो आपको करना ये होगा सबसे पहले कि जो आपको सीक्वेंस दिया गया है उसके प्रत्येक टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, और वो कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। यदि आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो आप कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर एपी, ठीक है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे आपको कोई सीक्वेंस दिया है, यहाँ मैं लेता हूँ ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि ये आपको एक कोई सीरीज है, ठीक है। अब इनकी जगह मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, थ्री फाइव सेवन नाइन और डॉट डॉट डॉट। अब ये कह रहा है, इसका क्वेश्चन ये है
कि आप इस क्वेश्चन में बताइए क्या ये सीक्वेंस जो है वो आपका सीरीज है, यस या नो में आपको आंसर देना है, है? तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो है एपी है? तो देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस कर लेना है, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D होता है, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू D होता है, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू D होता है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर रूप से दो या तीन टर्मों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। आपने कॉमन डिस्टेंस निकाल लिया और आप देख रहे हैं कि कॉमन डिस्टेंस जो है हर एक टर्म का इक्वल आ रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हैं जो सीरीज आपको दी गई है वो एपी है। ठीक है, अब हम देख पाएंगे पहला टर्म हमें 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है और फोर्थ टर्म 9 है। तो हम देखेंगे पहले वाले में अगर मैंने रखा तो T2 यानी कि टर्म 2 टर्म फर्स्ट को माइनस करना है, तो टर्म 2 है 5, टर्म फर्स्ट है 3, तो आपने कॉमन डिफरेंस देखा वो 2 होगा। यहाँ पर इसी तरीके से देखेंगे थर्ड था 7 माइनस 5, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर देखा तो 9 माइनस 7 यानी कि 2। आपका कॉमन डिफरेंस जो है हर एक में कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है हर एक टर्म का, तो आप कह सकते हैं कि जो सीरीज आपको दी गई है वो सीरीज एपी है। तो आप लिखेंगे कि ये यस गिवन सीक्वेंस आर एपी। ओके, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि अरिथमेटिक्स प्रोग्रेस क्वेश्चन है या नहीं होते हैं ये। ठीक है, सेकंड टाइप का आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो टर्म फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। टर्म फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको कोई नंबर दिया और नंबर में बोल दिया कि भाई आप 15वां टर्म फाइंड आउट करिए। तो 15वां टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं बता दूं, हमने एक लास्ट में देखा था कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d आपको मिला था। Tn का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, सॉरी केवल टर्म यहां लिखेंगे टर्म। ठीक है, क्या लिखेंगे टर्म, यहां आएगा फर्स्ट टर्म, यहां आएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, क्लियर, और ये रहेगा आपका कॉमन डिफरेंस। जब आपको ये सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी तो आपको Tn पूछेगा तो ऑलवेज ये सारी की सारी वैल्यू आपको देकर भेजेगा। अगर आपको ये नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना होगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें देकर भेजेगा। तो आपको इजीली बता देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा। देख लेते हैं, अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सारे के सारे वन बाय वन मैं टॉपिक को ले लूंगा और उनका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करता चलूंगा, उन्हीं के बेस पर आपको क्लियर करता चलेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखें, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया है, तो आपको पहले फोर्थ टर्मों को आपको बताना है कि ये पहले फोर्थ टर्म होंगे। तो देखें यहाँ पर हमने देखा था एपी के अंदर कि एपी में ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी, ये फोर्थ टर्म हुआ करते थे। अगर किसी को ये सीक्वेंस याद न हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को अगर देखूं मैं, पहले क्वेश्चन में आपको दिया है a इज इक्व टू 10 एंड d इज इक्व टू 10, a इज इक्व टू 10 एंड d इज इक्व टू 10, यानी कि आपको दिया है a यानी फर्स्ट टर्म इज इक्व टू 10 है और d यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्व टू 10 है। तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट फोर्थ टर्म बताने हैं। तो फर्स्ट फोर्थ टर्म बताने के लिए सिंपल है, या तो आप इन वैल्यूओं में पुट कर लीजिए अपने a और d की वैल्यू, या आप इससे निकाल लीजिए।
इससे निकालने के लिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पहला निकाल रहे हैं तो आप टी वन रखेंगे, एन की जगह पर वन रखेंगे, ए की जगह पर वहां से दी गई वैल्यू रखेंगे टेन, प्लस एन यानी कि वन होता है, वन माइनस वन यानी कि जीरो, जीरो का किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो, यानी पहला टर्म आपका टेन निकल आएगा। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में क्या होगा, यहां पर ए की जगह टेन आएगा प्लस एन की जगह पर टू आएगा, टू माइनस वन, और डी की जगह पर आएगा आपका टेन। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं, टेन प्लस यहां बचेगा टेन तो यह आपका ट्वेंटी हो जाएगा। टी थ्री की बात जब मैं करूंगा तो एन की जगह पर थ्री आ जाएगा, 10 प्लस 3 माइनस 1 और यहाँ पर रहेगा 10, तो ये हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 30। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। T4 जैसे ही मैं रखूँगा यहाँ पर, तो T4 जो होगा वो होगा a प्लस 3D, क्या होगा a प्लस 3D में आपने क्या किया, a की जगह 10 रखा, 3 इंटू 10, तो यहाँ पर आपका आएगा 40, क्या आएगा 40। तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी ये निकलेंगे जिनके फर्स्ट टर्म 10 एंड सेकंड टर्म जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 10 होगा वो। तो ये आपके जो है फोर टर्म निकलेंगे एपी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो है इसका कि ए की जगह पर उसने दे दिया है आपको माइनस टू, ए की जगह पर है माइनस टू और डी की जगह पर है जीरो। तो सिंपली आपको करना ही है इनको उठा उठा कर इसमें रख देना है। ए की जगह पहला टर्म मिला माइनस टू, सेकेंड रखा तो यहाँ पर भी आपको माइनस टू मिलेगा क्योंकि डी की जगह पर आपका जीरो हो जाएगा। सेकेंड आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस टू रहेगा, यहाँ पर भी आपका माइनस टू रहेगा, यानी कि हर एक एपी का फोर्थ टर्म जो है वो आपका क्या रहने वाला है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू। आप देखेंगे कि जो आपको एपी मिलेगा उस एपी में केवल एक सिंगल टर्म है माइनस टू, यानी कि एक ही टर्म है, बाकी सारे के सारे टर्म जीरो होंगे क्योंकि यहाँ पर डी जीरो है आपका। ओके, तो आपका केवल एक सिंगल टर्म का एपी है ना, तो उसे लिख सकते हैं। ये रहेगा आपका फर्स्ट टर्म माइनस टू, सेकेंड टर्म माइनस टू, थर्ड टर्म माइनस टू, फोर्थ टर्म माइनस टू रहेगा। ओके, चलिए इस तरीके से टर्म फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म। तो टर्म किस तरीके से फाइंड आउट किए जाएंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये टी एन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर टी एन इज इक्व टू टर्म, ए इज इक्व टू फर्स्ट टर्म एंड एन इज इक्व टू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड डी इज इक्व टू कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस, तो ये आपको आने चाहिए अच्छे से और ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसे आप भूलें ना क्योंकि ये आपको पूरी एपी में हेल्प करेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लें, देखिए आपको एक एपी दिया गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है, सिंपल है भाई। देखिए एक ही बार में आप क्वेश्चनों को करेंगे, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ, फर्स्ट आपका है क्वेश्चन 3 1 3 1 माइनस वन माइनस थ्री और डॉट डॉट डॉट, ये पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन मैं इधर लिख लेता हूँ, यहीं लिख लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है माइनस फाइव माइनस वन थ्री एंड सेवन, ये दो क्वेश्चन आपके हैं किस टाइप के, कि इसमें आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बताना है फॉर फॉलोइंग एपी, यानी दी गई जो एपी हैं इनमें आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस कौन सा है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा फर्स्ट टर्म है और कौन सा कॉमन डिफरेंस है। देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक सिक्वेंस है जो कि एपी है। फर्स्ट टर्म होता है पहला वाला टर्म, तो ए इज इक्वल टू आप 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस फाइव। फर्स्ट टर्म होता है ए, तो ये मैंने क्लियर लिख दिया।
अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए दो टर्म हम निकालेंगे, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। क्लियर, इनसे हमें अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हमारा ये पूरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, यहां पर देखेंगे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। ओके, देखें इससे इसको जब माइनस करूंगा तो माइनस वन माइनस फाइव रहेगा, तो माइनस वन प्लस फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस फाइव, तो आपका फोर आएगा। ओके, सेकेंड वाली बात कि थ्री से टू को माइनस किया, थ्री से टू वाले टर्म को माइनस करूंगा तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 3 प्लस 1, यानी कि 4। दोनों से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल, तो आपका कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो 4 हुआ। क्या हुआ, 4। ऐसे ही यहां देखेंगे, यहां पर देखा सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। यहां से इसको माइनस किया तो 1 माइनस यहां पर करूंगा इसको, तो ये 1 माइनस 1 यानी कि -2। तो दोनों से कॉमन डिफरेंस क्या आया, इक्वल आया, तो आपका डी हुआ -2, डी इज इक्वल टू -2, यहां पर हुआ 4। तो दोनों से देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना था, तो पहली वाली सीरीज का जो है वो रहेगा a इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड जो कॉमन डिफरेंस है वो -2, और यहाँ सेकेंड वाले का देखेंगे a इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस रहेगा 4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ और फर्स्ट टर्म वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, बताना है कि कौन सी एपी हैं और कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, एंड उनके फर्स्ट थ्री टर्मों को भी हमें राइट करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि एपी हैं या नहीं है, वही सेम डिफरेंस आपको करना ही है कि कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा हर एक टर्म का। कॉमन डिफरेंस जैसे ही निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है हर एक टर्म का, तो आप कह सकेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर एपी। ओके, तो ये मैं बता के चला था आपको, इसमें कुछ खास नहीं है। देखें फर्स्ट वाला टर्म देख लेते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2 4 2 4 8 16 2 4 8 16 ... सिंपली मैं डी निकालूंगा तो T2 माइनस T1 लिखूंगा और ये डी इज इक्वल टू होगा। ओके, जब मैं डी इज इक्वल टू निकाला तो T2 है 4 और T1 है 2, तो आपका आंसर आया 2। T3 निकालूंगा, T3 तो T3 माइनस T2 करूंगा, 3 है आपके पास 8 और ये 4, तो यानी कि 4। कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट टर्म, तो देखें डिफरेंट टर्म कॉमन डिफरेंस आर जो है नॉट इक्वल, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है, एवरी टर्म हैविंग अ कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल सो कॉल्ड अ सीक्वेंस नॉट अ सीरीज, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा आपका, एक सीक्वेंस रहेगा बट ये एपी नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि डी इक्वल नहीं है एवरी टर्म का, तो यहां लिखेंगे एपी नॉट, सॉरी नॉट एपी, ओके नॉट एपी, क्लियर, ये लिखेंगे नॉट एपी, गिवन सीक्वेंस आर नॉट एपी बिकॉज एवरी टर्म हैविंग अ नॉट इक्वल कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 बाई 2 3 एंड 7 बाई 2, ये है आपका इस तरीके से। तो डी निकालने के लिए मैंने क्या किया था, इस वाले से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपने इसको माइनस किया तो 1 बाई 2 बचा, एंड सेकेंड टर्म निकालेंगे तो इस वाले से इसको माइनस कर दीजिए, जब इससे इसको माइनस किया तो 1 बाई 2 बचा। तो देखें कॉमन डिफरेंस इनका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो गिवन सिक्वेंस आर ए पी, तो आप देख सकेंगे जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो एपी है। तो अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से हमें फर्स्ट थ्री टर्म को निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट थ्री टर्म निकालने के लिए हमें पता है कि ए इज इक्वल टू आपका है 2, बी इज इक्वल टू है आपके पास 1 बाई 2, तो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 1 बाई 2, आपको फर्स्ट थ्री टर्म निकाले हैं। तो पहला टर्म a हो गया,
सेकेंड टर्म की बात करूँगा टी टू की, तो यहाँ होता है ए प्लस डी, तो 2 प्लस 1 बाई टू यानी कि 5 बाई टू रहेगा, क्लियर, वो आपको दिया गया है। थर्ड टर्म की आप देखेंगे बात करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए थर्ड टर्म जो मिलेगा वो रहेगा a प्लस 2d, क्या रहेगा 2d, तो ये हो जाएगा 2, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा d के साथ 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपके जो है 3 टर्म रहेंगे, फर्स्ट 3 टर्म, इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आप इन्हें कर सकते हैं, कोई इनके लिए आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखें अब आता है यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक। आप देखिए आपको जो बताना है वो है कि 13 टर्म ऑफ एपी क्या होगा, यानी कि 30वां पद किसी एपी का क्या होगा जबकि आपको एक एपी दे रखी है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, ये एक कोई एपी है और इसमें आपको बताना है T30, क्या बताना है T30, तो 30वां टर्म कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो देखें जब हमें पता है T30 निकालना है तो यहाँ पर होगा a प्लस 30 माइनस 1 d, मैंने बोला था कि ये वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये शुरुआत में मैंने आपके लिए लिखा था, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यानी सॉरी मैंने लिखा था यहाँ पर टर्म, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ टर्म है 30, यहाँ नंबर ऑफ टर्म 30 है, तो मैंने देखा कि a की वैल्यू हमें 10 दी गई है, प्लस 30 से 1 को माइनस किया 29 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालना है, तो डी हम निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखें T2 माइनस T1 आपको मिला 3, क्योंकि 7 माइनस 10 करेंगे तो आपको माइनस 3 मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस 3, तो यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। जैसे ही आपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो आपको जो मिलेगा वो रहेगा माइनस में वैल्यू 27, 2 कैरी 6 और 2 8, ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा ये मिल जाएगा 27 ये पूरी वैल्यू मिलेगी और इससे इसको जब माइनस करूँगा तो आपको मिलेगा 77, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा T30 = 77, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ओके। करना ये होगा सबसे पहले आप ए निकाल लीजिए, ए यानी कि आपको फर्स्ट टर्म आना चाहिए, ए के बाद आपको कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, देन जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन की है उसमें आप उस वैल्यू को पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखें फॉर गिवन एपी यानी इसमें आपको जो ब्लैंक दिख रहे हैं, ब्लैंक टर्म दिख रहे हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है इक्वेशन बनाकर, क्या इक्वेशन बनाकर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। देखें आपको जो वैल्यू दी गई है वो देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से हैं क्वेश्चन आपका, ये है पहला टर्म एंड सेकंड टर्म जो 13 एंड 4 टर्म, ये आपको इस तरीके से आपको वैल्यू दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर करना ये है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर a है और यहाँ पर है a प्लस 2d, क्योंकि थर्ड टर्म ये था, क्लियर, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, क्लियर, ओके। ए दिया है तो देखें यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू है कि आपको ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 मिला है और ए प्लस 3d इज इक्वल टू आपको 3 मिला है, ये तो क्लियर है क्योंकि आपको सेकेंड टर्म की वैल्यू दी गई है और फोर्थ टर्म की भी वैल्यू दी गई है, यानी हमें ये दो वैल्यू आपको निकाल कर देनी है, ठीक है। किस किस की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की, ठीक है, ओके। हमने क्या किया, सेकेंड वाली से इसे फर्स्ट कहिए इसे सेकेंड कहिए, सेकेंड वाली से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो यहाँ मिलेगा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा 3d माइनस d और यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस 30, यहाँ बचा 2d और यहाँ मिला -10, तो d इज इक्वल टू मिलेगा -5, डी इज इक्वल टू मिलेगा -5। अब हमें किसी एक में इसे पुट कर देना है, पुट इन फर्स्ट कर देना है,
तो फर्स्ट में मैं जैसे ही वैल्यू रखूंगा तो a माइनस फाइव इज इक्व टू 13, इस वैल्यू को इधर लिया तो a इज इक्व टू आपको क्या मिला 18। तो देखो जब 18 मिला यहाँ पर आपको माइनस फाइव मिला, तो 18 को पुट करके यहाँ a की वैल्यू आपको मिली, यानी कि फर्स्ट टर्म पर आपका 18 होगा। यहाँ पर आपने देखा a प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, तो a की जगह पर है आपका 18, d की जगह पर है माइनस फाइव, तो आपका रहा 18 माइनस 10 इज इक्व टू 8, तो थर्ड पे रहेगा आपका 8, थर्ड पे रहेगा 8, फर्स्ट पर रहेगा 18। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू को आसानी से बता सकते हैं। ओके, अगर इनमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, उनका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, यानी कि 78 जो नंबर है वो कौन सा टर्म होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म बताना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं, न कि टर्म की वैल्यू दी गई है। ठीक, आपको टर्म की वैल्यू दी गई है तो आपको बताना यह है कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो देख लेते हैं, आपको एक सिक्वेंस जो दिया है वो है 3, 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18, डॉट 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 7, 8। इस 7, 8 को आपने कहा कि टी एन इज इक्व टू 7, 8 है, ए इज इक्व टू आपका 3 है, एंड डी इज इक्व टू, जब मैं इससे इसको माइनस किया तो 5 आएगा, इससे इसको माइनस किया तो भी 5 आएगा। तो ये मैंने तीन वैल्यू मेरे पास हैं और इन तीन वैल्यूओं से मुझे जो बताना है वो एन की वैल्यू बताना है, यानी नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। टर्म की वैल्यू आपको दी गई है 78, ए की वैल्यू आपके पास है 3, ए की वैल्यू है आपके पास 3, प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू है आपके पास 5। 78 ये 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 5n माइनस 5। इन दोनों से जब मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ माइनस 2 बचेगा, और माइनस 2 को जब मैं इधर लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस 2, यानी कि 5n। तो 80 इज इक्व टू 5n, n से ये गया आपका बचेगा 1 और यहाँ पर 6, यानी n इज इक्व टू जो मिला वो 16 मिला। कौन सा नंबर रहेगा? ये 16वां नंबर रहेगा। ओके, 16वां नंबर रहेगा, जो 78 है वो इस सीरीज का 16वां टर्म होगा। ओके, कौन सा रहेगा? 16वां। तो आप इसे कह सकते हैं टी एट 16 की वैल्यू ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखें ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, हुज द 11th टर्म ऑफ 38 एंड 16th टर्म जो है वो है 73। देखें आपको दिया गया है कि 11वां टर्म जो है वो है आपका 38 एंड 16वां टर्म जो है वो है 73। तो फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है T31। क्या फाइंड आउट करना है? T31 फाइंड आउट करना है। इस केस में करना ये होगा आपको, देखें हम जानते हैं क्या कि जो टर्म है 11वां उसे हम कह सकते हैं a प्लस 10d इज इक्व टू 38, और यहाँ पर इसे कह सकते हैं a प्लस 15d इज इक्व टू 73। तो ये 15d है, ये 10d है, इससे इसको माइनस कर दीजिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो आपने जब इससे इसको माइनस किया, ए से ए कैंसिल आउट होगा, तो 5d इज इक्व टू मिलेगा 5 एंड यहाँ मिलेगा 3, 35। तो d इज इक्व टू आपका जो आया वो 7 रहेगा। क्या आया? 7 रहेगा। अब मैं इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करता हूँ तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ए की मिल जाएगी। क्या? किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए की। तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करने पर मिला ए प्लस 70 इज इक्व टू 38। क्या मिला? 38। ए इज इक्व टू यहाँ पर आया 38 माइनस 70,
70, ओके। तो a इज इक्वल टू जो वैल्यू मिला वो रहेगा 10 से 8 गया, 2 बचेगा यहाँ पर 663, तो माइनस का 32 बचेगा आपका ये। तो इस तरीके से आपको a और d की वैल्यू मिल चुकी है, तो 31 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 31 निकालेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस 30d, और 30d निकालेंगे तो ये 31 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको माइनस का 32 प्लस 30 × 7, ये आपकी वैल्यू रहेगी माइनस 32 प्लस 210, यहाँ माइनस कर दीजिए इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देखें जब यहाँ पर आपने देखा कि 210 है तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी 188, ओके 188 मिलेगा, 178, ये रहेगा आपका आंसर, 178 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे इरेज कर देना भाई, चलिए मैं ही कर लेता हूँ, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको सेल्फ करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, कुछ नहीं करना है। थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म की वैल्यू दी गई है, दोनों से ए और डी निकालिए और बताना है कौन सा टर्म जीरो होगा, बिकॉज देखिए टी एन की वैल्यू जीरो दी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको ए और डी की वैल्यू होगी, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप इसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 17 टर्म जो है आपका 10 टर्म, देखिए 17 और 10 टर्म का जो एक्सिस्ट किया जाता है ना, 17 टर्म से इसको 10 टर्म तक लाया जाता है, तो 7 होता है इनका टर्मों का डिफरेंस जो होता है वो 7 होता है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो देख लेते हैं a प्लस, सिंपल है a प्लस 16d, यहाँ पर रहेगा माइनस a प्लस 9d, क्या रहेगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, तो यहाँ a से a कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 7d इज इक्वल टू 7, यानी कि d इज इक्वल टू आपको मिला 1, क्या मिला, d इज इक्वल टू आपको मिला 1, और जब d इज इक्वल टू आपको 1 मिला है तो यही आपका आंसर होगा। ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन डिफरेंस क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर आर डिविजिबल फॉर 7। देखें 3-डिजिट नंबर कौन कौन से हैं जो कि आपको 7 से डिविजिबल होंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, 3-डिजिट पे हम चलेंगे तो सबसे छोटा नंबर 101 होता है। ओके, और 100 भी होता है, तो 100 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ देखेंगे ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा, 102 ज़रूर डिवाइड हो जाएगा, तो 109 भी होगा। ठीक है, टू टर्म मिले। अब आप डॉट 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 करके लास्ट में चलेंगे तो देखें 999 होते हैं 3-डिजिट नंबर लास्ट के, क्या 7 से डिविजिबल हैं, नहीं है, क्या 7 से डिविजिबल हैं, नहीं है, तो 5, अब क्या 7 से डिविजिबल हैं, क्या 7 से अब डिविजिबल हैं, देख लेते हैं चेक करके, 7 का डिवाइड दिया यहाँ पर तो क्या बचा आपका 4 चला जाएगा, देखें 7 का डिवाइड दिया यहाँ पर तो आपका 2 बचा, 2 यहाँ पर आएगा 29, 7 से देंगे तो 8 टाइम यानी कि 15 होगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 होना चाहिए, अब आपका चला जाएगा। तो आपका एक सीक्वेंस जो मिला वो ये रहेगा, 3-डिजिट के जो डिविजिबल नंबर हैं वो हैं। अब हमें नंबरों की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है कितने हैं। टी एन की लास्ट वैल्यू आपको दी गई है, लास्ट वैल्यू टी एन मैं कह सकता हूँ, फर्स्ट वैल्यू को मैं ए कह सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा इनके बीच वो 7 रहेगा, बिकॉज 7 से डिविजिबल वो कह रहा है, इस वजह से देख लेते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा, टी एन इज इक्वल टू 994, ए इज इक्वल टू 102 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी हमारे पास है 7। यहाँ देखें इस वैल्यू को 994 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा प्लस 7n माइनस 7, इसको इसके साथ माइनस करने पर मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा क्या,
95, क्या मिला 95 प्लस 7n, जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो आपको मिलेगा 899। क्लियर क्लियर 7n, क्या इसका 7 का इसमें डिवाइड जाएगा, देख लीजिए क्या इसका 7 का इसमें डिवाइड जाएगा, देखें जाएगा कि नहीं। 7 1 7 1 1 कैरी 7 2 14, यहाँ से 5 मिलेगा, नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने एक मिस्टेक किया है, देख लेते हैं भाई, यहाँ पर मिस्टेक है। फर्स्ट टर्म आपका ये 102 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जाएगा ही नहीं इसका वैल्यू का, तो यहाँ पर आएगा 7 का जाएगा, 3 बचेगा, 3 का जो है किसका आएगा, 5 आएगा भाई, 5 आएगा, क्लियर। और यहाँ हो जाएगा 12, 5 आएगा, तो 5 आने पर यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर भी जब इससे आप इसको माइनस करेंगे तो 98 होगा, क्या होगा 98, और 98 जब मैं इससे माइनस करूँगा, 98 जब मैं इससे माइनस करूँगा तो यहाँ बचेगा 89, यहाँ 89 आपका बचेगा क्या, देखें 98 माइनस करिए तो आपका 4 और माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, इतना बचेगा आपका। क्लियर, अब इसे डिवाइड दीजिए, यहाँ दिया तो ये गया 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, तो n इज इक्वल टू जो वैल्यू मिला वो मिला 128, ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 128 मिलेगा, यानी कि ऐसे कितने नंबर रहेंगे जो के डिविजिबल होंगे किससे, 7 से, वो होंगे 128 नंबर्स। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सम फाइंड आउट करना है भाई। सम के लिए देखिए, यदि आपको एक वैल्यू दी गई है पूरा, तो यहाँ सम ऑफ नंबर की बात करेंगे तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d होता है फॉर्मूला इसका। यदि आपको लास्ट टर्म दिया है तो n बाई 2 2a की जगह पर यहाँ आ जाता है a प्लस l आ जाता है, यानी कि l फॉर लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म, तो ये आ जाता है आपका, और क्वेश्चन इन दो से हो जाएंगे आपका। देखें पहला वाला टर्म है, इसमें a इज इक्व टू आपको दिया है, a इज इक्व टू 2 है, d इज इक्व टू आपका 5 है, d इज इक्व टू आपको 5 है, और आपको टर्म जो दे रखे हैं यानी कि n इज इक्व टू दिया है वो 10, तो सम फाइंड आउट करके देना है। तो एस टेन इज इक्व टू यहाँ हो जाएगा n बाई 2 यानी कि 5, और बैक 2a यानी कि 4 हो जाएगा, क्लियर। प्लस n की जगह पर 10 था तो 9d हो जाएगा, तो 9d का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, देखें 5 49, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो आपके पास आपका आंसर होगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर होगा, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 9 में किया, 5 4 कैरी 20 और 24, यानी कि ये आपका सम रहेगा इसका। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है इसका सम जो रहेगा वो 245 ये आंसर रहेगा आपका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फॉर्मूले आपको दोनों आने चाहिए, ये सम के फॉर्मूले हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सम आपको करना हो तो देख लेते हैं। देखें आपको एस एन निकालना है और एन निकालना है जबकि आपको टी एन दिया गया है, सिंपल, इसे रेज कर रहा हूं भाई, नोट कर लीजिएगा। देखें a इज इक्वल टू दिया है 5, d इज इक्वल टू आपको दिया है, d इज इक्वल टू 3, टी एन इज इक्वल टू आपको दिया है 50, तो s n निकालना है और n निकालना है, तो सिंपल पहले tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d लगाइए,
इससे आप यहाँ से n फाइंड आउट करिए, तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस ये आएगा n माइनस 1 3, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, 50 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 2 प्लस 3n, 2 माइनस किया 48 इज इक्वल टू 3n, तो n यहाँ से गया 16, तो n की जो वैल्यू आई वो 16, अब 16 जब आपको n की वैल्यू आ गई तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, क्या था n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 16 n की वैल्यू है, तो 16 बाई 2 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1, यानी कि n आपके पास क्या है, n आपके पास 16 यानी कि 15, और d की वैल्यू जो है वो है 3, इसमें वैल्यू रखी तो ये 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 45, यह आया आपका 55, मल्टीप्लाई किया 440, क्या आया 440, तो सम आ गया और 16 इसकी n की वैल्यू आ गई। ओके चलिए इस तरीके से इन क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि आपको एपी दी गई है और उसका सम बताना है कि कितने टर्मों का सम ये होगा। ओके कितने टर्मों का सम ये होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपको आपको ए होना चाहिए, एन होना चाहिए और डी होना चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आपको इसमें एन निकालना है सबसे पहले, देखें 9 17 25 ये आपको दिया गया है, तो हाउ मेनी टर्म, यानी कि आपको टर्म पहले फाइंड आउट करना, कितने टर्मों का सम जो है वो होगा ये बताना है। ठीक है तो हमें यहां पर देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहां से तो मिला केवल ए, ए इज इक्वल टू 9 और डी इज इक्वल टू जो मिला इसे, इसको जब माइनस करेंगे तो 8 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 8। तो ए और डी आपके पास हैं और एक आपको जो वैल्यू दी गई है वो एस एन की दी गई है, एस एन इज इक्वल टू आपको दिया है 636, क्या दिया है देख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपकी वैल्यू रहेगी, एस एन 636। ओके n जो है हमें पता नहीं है क्या है, 2a हमारा होगा 18, n हमारे पास है नहीं, d की वैल्यू 8, जब इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो गया 636 इंटू 2, n यहां हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, तो यहां इसे माइनस करूंगा तो 10 बचेगा, 636 इंटू 2 यह हो गया आपका n 10 माइनस 8n। ओके इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यहां पर तो 2 7 और 12 ये आपको मिल जाएगा उधर, और इधर मिलेगा आपका 10n माइनस 8n स्क्वायर, क्या मिलेगा 8n स्क्वायर। जब मैं इन वैल्यूओं को इक्वल साइड करूंगा एक साइड में तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहां आप देखेंगे 2 का डिवाइड इसमें दिया तो 4n स्क्वायर, यहां दिया तो 5n, यहां देंगे 2 का तो आपको सिमिलर वही वैल्यू मिल जाएगी 636 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिलेगी। अब आपके पास एक प्रॉपर नंबर है और इसके आप फैक्टर करेंगे, इसके आप फैक्टर करेंगे तो आपको यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी एन की, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, या आपको अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, देखिए पॉजिटिव वाले केस में तो एक हाइएस्ट वैल्यू लेंगे आप, क्या लेंगे हाइएस्ट वैल्यू जो कि बड़ी होगी उसे लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले केस में आप पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे और क्वेश्चन आपका फिनिश वहीं हो जाएगा। ठीक है
केवल एन की वैल्यू हमें बतानी थी, तो वो यहाँ से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व करना प्रीवियस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से आपको बता दिया है, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं आपके, ठीक है। यही क्वेश्चन थे आपके पूरे, इसमें यही क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को एक बार आप रिवाइज करिएगा, रिवाइज करने के बाद इजी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई क्वेरीज होती है या आपको कोई समझ में नहीं आता है इन क्वेश्चनों से रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आपको अगर सेशन हमारा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।